नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईपीएल के 12वें सीजन के शुरुआती 4 मैचों में हार झेलने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीत के लिए बेहद उतावली है। शुक्रवार को उसे अपने घर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ना है, जहां वह सिर्फ जीत चाहेगी। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खराब रही है, ना ही उसके बल्लेबाज चल रहे हैं ना ही गेंदबाज, साथ ही दोनों विभागों में तालमेल की कमी भी देखने को मिली। विराट कोहली के कप्तानी वाली बेंगलुरु अंक तालिका में सबसे नीचे है, उसे पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मार दी। बेंगलुरु के लिए चिंता की बात ये रही है कि कोहली और एबी डिविलियर जैसे बल्लेबाजों के रहते भी वे अपने खाते में जीत नहीं डाल पाए। पिछले मैच में पार्थिव पटेल ने जरूर अर्धशतक जमाया था, लेकिन दूसरे छोर से साथ नहीं मिला था। मोइन अली, कॉलिन डी गैंडोम, मार्कस स्टॉइनिस ज्यादा सफल नहीं रहे। ये सभी खेल के सबसे छोटे प्रारूप के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बेंगलुरु की जर्सी में अभी तक अपना वो रुतबा नहीं दिखा सके जिसके लिए वह जाने जाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो पिछले मैच में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन और कोई गेंदबाज काम नहीं आया। नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज के पास अनुभव की कमी साफ देखने को मिल रही है। शुरुआती 4 मैच गंवाने के बाद पहली जीत की तलाश में जुटी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम शुक्रवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले आईपीएल मैच के लिए टीम में कई बदलाव भी कर सकती है। कप्तान विराट कोहली ने भी स्वीकार किया है कि उनके संघर्षरत टीम अभी भी सही संतुलन नहीं बना पाई है, लेकिन संयोजन के साथ प्रयोग जारी रहेंगे। आरसीबी को जयपुर में खेले गए अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 60 विकेट से मात मिली थी। अब उसका सामना केकेआर से होगा, जो कि काफी संतुलित नजर आ रही है। कोलकाता की टीम ने अब तक 3 मैचों में 2 मैच जीते हैं। जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है, तो वो भले ही पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल से सुपर ओवर में हार गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसके बल्लेबाज नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, रॉबिन उतप्पा और शुभमान गिल शानदार फॉर्म में हैं। रसेल ने अपनी पावर रेटिंग का अब तक बेजोड़ नमूना पेश किया है। चहल और उनके साथियों के लिए रसेल को रोकना चुनौती होगी। राणा ने सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रभाव छोड़ा है। वहीं कोलकाता से आरसीबी की तुलना की जाए तो अब तक के प्रदर्शन के आधार पर कोलकाता का पलड़ा भारी लग रहा है। इसका एक कारण यह है कि कोलकाता के स्टार खिलाड़ी फॉर्म में हैं। हालांकि अपने पिछले मैच में हार झेलने के बाद इस मैच में आ रही है, लेकिन वह हार काफी करीबी थी तो सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल ने उसे मात दी थी। बात करें दोनों टीमों की, तो बेंगलोर की टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, मार्कस स्टॉइनिस, शिमरॉन हेटमेयर, शिवम दुबे, नाथन कुल्टन नायल, वाशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, यजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, हैंडी क्लासेन, मोइन अली, कॉलिन डी ग्रैंडोम, पवन नेवी, टीम साउदी, अच्छदीप नाथ, मिलिंद कुमार, नवदीप सैनी, हिम्मत सिंह आदि शामिल हैं। वहीं कोलकाता की टीम में दिनेश कार्तिक, सुनील नरेंद्र, आंद्रे रसेल, कॉर्लस बैफेट, क्रिस्टिन, रॉबिन उतप्पा, हैरी गनले, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नीतीश राणा, संदीप वॉरियर, केसी करियप्पा, शुभमान गिल, श्रीकांत मुंदे, निखिल नायक, पृथ्वीराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी शामिल हैं। आज के टीम में कौन से खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आज के टीम में कौन सी टीम मैच जीतेगी, कमेंट करके जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।